गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम इकरार आज़मी साहब की खिदमत में, या आपकी खिदमत में दो कतात पेश करेंगे और उसके बाद हमारे मिसन गोपालपुरी साहब हैं। जो हुक्म है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बाप पर बाप। हाज़रीन अहले महफिल, सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में इस जश्न मिलाद अहले बैत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है और अल्लाह की रहमत भी हमारे सामईन की समातों के दरमियान हायल हो चुकी है। अब इससे क्या बड़ी फजीलत हो सकती है कि हमारे दरमियान सामईन की समातें और दादो तहसील शायरों के नाम और अल्लाह की रहमतें इस जश्न की कबूलियत के लिए मैं हाजिर करता हूँ। एक मतला चंद अशार आप सामईन की समातों के नजर करता हूँ, मिलजुल कर सलावात पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आजकल जो एक वबा बीमारी हमारे दयाल मोहब्बत में आई है कि कुरान से 26 आयतों को निकाला जाए। मेरे अजीजों, खुद तो वसीम रिजवी हमारी इस दुनिया से निकल जाएगा, लेकिन कुरान से 26 आयतें ना निकली थी ना निकल सकती, ना कोई निकाल सकता। मेरे अजीजों, शेर मुलाहिदा कीजिएगा कि जमीने करबला तुझको सजाने आए हैं, जमीने करबला तुझको सजाने आए हैं, हुसैन तेरा मुकद्दर बनाने आए हैं। पूरी तवज्जो चाहता हूँ आखिर मजमे तक कि जमीने करबला तुझको सजाने आए हैं, हुसैन तेरा मुकद्दर बनाने आए हैं। हुसैन आपकी अजमत है और विलादत पर, हुसैन आपकी अजमत है और विलादत पर फलक वाले तेरा झूला झुलाने आए हैं। मेरे अजीजों, पूरे बेदार हो जाइए कि हुसैन आपकी अजमत है और विलादत पर, हुसैन आपकी अजमत है और विलादत पर फलक वाले तेरा झूला झुलाने आए हैं। तो मदीना छोड़ के कर्बोबला में शहने कहा, मदीना छोड़ के कर्बोबला में शहने कहा, हुसैन वादे तिफली निभाने आए आए, हुसैन वादे आने आए हैं। मदीना छोड़ के कर्बोबला में शहने कहा, हुसैन वादे तिफली निभाने आए हैं। तो कहा है आके शहीदी ने सरे मक्तल, जरा जरा सा बेदार हो जाए कि कहा है आके शहीदी ने ये सरे मक्तल, सेना के लोग पे कुरान सुनाने आए हैं, सेना की लोग को कुरान सुनाने आए हैं। ये शेर बतौर खास आसामीन की समातों के नजर कर रहा हूँ। जो खुद अपनी जुबान से बिस्मिल्लाह की अदायगी न कर पाए वो कुरान से क्या 26 आयतें निकालेगा। शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि जो कहना पाए कभी भी सही से बिस्मिल्लाह, जरा जरा सा बेदार हो जाए, जो कहना पाए कभी भी सही से बिस्मिल्लाह, जो कहना पाए कभी भी सही से बिस्मिल्लाह, वो अब कुरान पे उंगली उठाने आए हैं, वो अब कुरान पे उंगली उठाने आए हैं। जो कहना पाए कभी भी सही से बिस्मिल्लाह, वो अब कुरान पे उंगली उठाने आए हैं। तो शेर मुलाहिज़ा करें कि उसे जमाने से गारत खुदाए पाक करे, उसे जमाने से गारत खुदाए पाक करे, उसे जमाने से गारत खुदाए पाक करे, जो आज आयते कुरान मिटाने आए हैं, जो आज आयते कुरान मिटाने आए हैं, उसे जमाने से गारत खुदाए पाक करे, जो आज आयते कुरान मिटाने आए हैं। मेरे अजीजों, आप पूरी शब गुजार दिए जश्न मिलाद अहले बैत में। दुआ करता हूँ जितने भी मोमिनीन इस फर्श महफिल में बैठकर उनकी जितनी भी दिली जायज मुरादें हैं सबकी पूरी हो। शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा कि हुसैन आपकी महफिल में जिसने शिरकत की, मक्ता पेश करता हूँ कि हुसैन आपकी महफिल में जिसने शिरकत की, हुसैन आपकी महफिल में जिसने शिरकत की, ज़िया वो मर्तबा अपना बढ़ाने आए हैं, ज़िया वो मर्तबा अपना बढ़ाने आए हैं, ज़िया वो मर्तबा अपना बढ़ाने आए हैं। आ तमाम मोमिनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नारे सलावात।